आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी होते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा गोंद डाला, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले और खूब सारा घी डालकर हमने बनाया है इनको। और ये लड्डू मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि दोनों ही बाहर रहते हैं। उन दोनों को जब भी कुछ खाने का मन करता है मीठा, तो वो एक एक लड्डू खा लेते हैं, तो उनको भूख नहीं लगती, काफ़ी देर तक पेट फिल रहता है। तो चलिए बनाते हैं गोंद के लड्डू। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे, और इसके अंदर हम एक कप भर के हमने गोंद ऐड कर दिया है। गोंद दो तरीके के आते हैं, एक गर्मियों में खाया जाता है जो इसको गोंद कतीरा कहते हैं, और एक आता है ये वाला गोंद जिसे हम घी में डाल के फुलाते हैं, और ये सर्दियों में खाया जाता है। ये गोंद बहुत ही हेल्दी होता है, हमारी जॉइंट पेंस वगैरह को भी में भी बहुत हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो गोंद सर्दियों में ये वाला खाना ही चाहिए और ऐसे लड्डू भी बनाने चाहिए। और ये गोंद बहुत ही ताकतवर होता है, जो जॉइंट्स पेन होता है, हमारे कमर में दर्द है, या जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये गोंद। तो इस तरीके से आप गोंद को घी में डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो हमने इसके अंदर आधा कप के करीब हमने घी ऐड कर दिया था, और देखिए गोंद बहुत अच्छे से भून चुका है। अब गोंद को हम निकाल देंगे। तो देखिए सारा गोंद हमने निकाल लिया है इसमें से। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर एक कप के करीब हम इसके अंदर बादाम ऐड कर देंगे। तो बादाम को भी हम इसमें इसी तरीके से भून लेंगे। तो आज हम जो गोंद के लड्डू बना रहे हैं ना, इसके अंदर हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमने इसके अंदर एक कप के करीब हमने काजू भी ऐड कर दिया, इसको भी हम अच्छे से भूनने देंगे, लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। और आधा कप के करीब हमने इसके अंदर अखरोट ऐड कर दिए। तो अखरोट हमारी ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी होता है, और बच्चों के लिए भी वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी रहती है। तो इसमें हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लिया, और हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। और अब हम इसी कढ़ाई के अंदर आधा कप के करीब हम किशमिश ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से भूनने देंगे। जैसे ये भुनने लग जाती है ना, वैसे ही ये थोड़ी थोड़ी फूलने लग जाती है, गोल गोल दिखने लगते हैं। देखिए अभी हम इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब। तो देखिए हमने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी भून जाती है। देखिए किशमिश भून चुकी है, और साथ ही हमने एक कप के करीब हमने इसमें कसा हुआ नारियल ऐड कर दिया। आप चाहो तो ग्रेटेड किया हुआ नारियल जो मार्केट में मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं। जब खोपरा आता है ना, उसको कद्दूकस कर लीजिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं, दोनों चीज़ों को हम निकाल लेंगे और अब हम इसको साइड कर देते हैं। और अब हम इसी कढ़ाई के अंदर हम मेलन सीड्स डालेंगे, जो खरबूजे के बीज आते हैं ना, तरबूजे, वही बीज हमने इसमें ले लिए, जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं छिले हुए, तो वही बीज लिए हैं। जैसे ये पॉप आउट होने लग जाएंगे, वैसे ही हम इसके अंदर आधा कप के करीब हमने खसखस ऐड कर दिया। खसखस से क्या है कि लड्डू बहुत ही हेल्दी बनेंगे, और जब लड्डू हम खाते हैं ना, मुँह में जैसे चिपकते हैं वो चीज़ नहीं होगी, लड्डू बहुत ही टेस्टी लगेंगे इससे। और देखिए ये भी भून चुका है, बहुत जल्दी भून जाती है सारी चीज़ें, टाइम नहीं लगता है। और अब हम इसी कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर मखाने ऐड करेंगे 2 कप के करीब। तो अब हमने ये 2 कप मखाने लिए हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे। आप चाहो तो घी डाल के भी भून सकते हैं, या फिर ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही लड्डुओं में बहुत घी हो जाता है, तो इसलिए मखानों को मैंने ऐसे ही रोस्ट कर लिया है। तो लो फ्लेम पे हम भूनेंगे, तो मखाने ऐसे भी बहुत अच्छे से भून जाते हैं। देखिए हो गए ना, देखिए हाथ में डाल के एकदम दबा रहे हैं तो चूरा बन रहा है। तो बस इसी तरीके से हमने मखानों को अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से इसमें सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लग जाए, और ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए। तो देखिए मखाने बहुत अच्छे से भून चुके हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे। और आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता हो उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। जैसे आप बादाम की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, या काजू की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब हमने इसी कढ़ाई के अंदर खूब सारा घी डाल देंगे, क्योंकि अब हमें इसमें आटे की भुनाई करनी है, क्योंकि हम आज आटे के साथ ही हम गोंद के लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इसमें 2 कप के करीब हमने घी ऐड कर दिया है, और देखिए अभी तक हमने आटा नहीं निकाला था, तो अब मैं आटा निकालूंगी। तो देखिए जो आटा है ना, ये मैंने घर में ही पीसा था, और इस आटे में जो चने का जो चना मिला के जो पीसते ना आटा, गेहूं और चने का, ये वही आटा है। आज मैं उसी से ही लड्डू बना के तैयार करूंगी। तो देखिए हम 1 किलो के करीब हम आटा लेंगे,
क्योंकि आज हम खूब सारे लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ कितना है ये आटा। तो अभी आटा थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसके अंदर थोड़ा और आटा ऐड कर दूँगी। तो इसलिए मैं 1 किलो आटा लिया है और 1 किलो ही घी लगेगा और आधा किलो के करीब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो और साथ ही हम इसे गुड़ के साथ बनाएंगे। और देखिए देखिए कितना मोटा आटा है ना, काफ़ी मोटा दरदरा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये हमने घर में ही पीसा है। अगर आप मार्केट का लेते हैं ना तो आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इस समय हमें कंटिन्यू हाथ चलाते रहना है वरना ये तली में नीचे लग जाएगा आटा तो जल जाएगा और लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने 2 कप के करीब हमने घी ऐड करा था, उसी में ये आटा इस तरीके से भुन रहा है और इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर घी और ऐड करते जाएंगे। तो देखिए घी आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे उतना आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से भूनना है आटे को, जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं ना सेम वैसे ही हमें इसको इसी तरीके से भूनना है। तो देखिए बिल्कुल इतना घी डल जाएगा इसमें कि आटा इस तरीके से दिखने लग जाए बिल्कुल। और देखिए आटे का कलर भी चेंज हो गया ना बिल्कुल, क्योंकि आटा बहुत अच्छे से भुन चुका है। और इसकी और पूरे टाइम हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही आटे को भूनेंगे वरना आटा नीचे से जल जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए आटा तो अच्छे से भुन चुका है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब हम देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होता है एकदम पाउडर बन जाता है, तो इसलिए मैं इसको हल्का हल्का क्रश करूँगी क्योंकि क्या लड्डुओं में जब भी थोड़ी सी बाइट्स आती है ना खाने में तो वो अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसलिए तो इसलिए मैंने तो ये थोड़े थोड़े अच्छे से क्रश कर लिए। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज हैं तो उनके लिए आप लड्डू बना रहे हो ना तो आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लें, वो वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मैं अपनी सासू माँ के लिए बनाऊंगी वो लड्डू। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो उन्हीं के लिए बनाऊंगी मैं। तो देखिए इसी तरीके से हम देखिए ये गोंद को भी हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए मखाने तो हमारे क्रश हो चुके हैं तो अब ये गोंद है, गोंद को भी हम इसी तरीके से क्रश कर लेंगे। आप चाहो तो इसको मिक्सी के अंदर डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से ग्राइंड करते हैं ना जो इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद ऐसे खड़ा खड़ा रह जाता है कभी कभी तो उसको हम निकाल सकते हैं, और मिक्सी के अंदर डालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और जब लड्डू बनेंगे तो वो दांतों में चिपकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर, देखिए इस तरीके से ये निकला था गोंद तो इसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये कभी कभी दांतों में आ जाता है ना, दांत में भी दर्द होने लग जाता है और दांतों में चिपक जाता है तो इसको अब हम साइड कर देते हैं। और देखिए इस तरीके से हमने गोंद को भी अच्छे से क्रश कर लिया है। और अब देखिए ये है काजू अखरोट और बादाम, तो ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक क्रश नहीं करना, थोड़ा सा हमें दरदरा ही रखना है। और आप चाहो तो इसको भी आप खलबत्ते में डाल के क्रश कर सकते हैं लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा क्रश कर लूँगी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना तो लड्डू बनते भी नहीं हैं। अब इसको हम मिक्सी में डालेंगे, हल्का हल्का चलाएंगे, बहुत हल्का। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें इसको क्रश करना है। ये देखिए अभी हमने हल्का सा किया, मैंने इसको इस वीडियो मतलब इस चीज़ को हमने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कितना हमने किया है, देखिए बस इतना ही हमें करना है। तो इस तरीके से जब मोटे मोटे रह जाएंगे बस उतना ही हमें इसको क्रश करना है। अब ये बिल्कुल भी अच्छे से हो चुका है, अब इसको हम साइड कर देते हैं। और अब देखिए अब हमारी सारी चीज़ें क्रश भी हो चुकी हैं, भुन भी चुकी हैं, अब सभी चीज़ों को हम एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अब हम काजू बादाम का जो हमने पाउडर बनाया था वो भी हम इस प्लेट के अंदर निकाल देंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा घी है ना, वो भी हम इसमें ही डाल देंगे क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना क्योंकि सारी चीज़ें वैसे ही बहुत महंगी आती हैं आजकल। तो देखिए सारा हमने काजू और अखरोट का जो पाउडर बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और देखिए मिक्सी के जार में जो चिपक गया था वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और अब हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी हमें सभी चीज़ों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे तो मिक्स प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हमने जो आटा भून के रखा था ना वो भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, उसको भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि आटे को भी इसी समय मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बाद में जब इसमें हम गुड़ या शक्कर या कुछ भी डालेंगे ना तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पहले तो हम छाबे की हेल्प से ही करेंगे क्योंकि आटा भी गर्म है ना काफ़ी, इसलिए तो उसको इसी तरीके से हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हो गया, तो आप इस तरीके से एक बार लड्डू बना के देखिए, लड्डू आपके बहुत अच्छे बनेंगे।
और अब देखिए इसी कढ़ाई के अंदर हम घी डालेंगे थोड़ा सा, एक चमचा के करीब, देखिए बस इतना ही डालना है। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून सौंठ पाउडर डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए देखिए हल्का सा भून गया ना, बस अब हम तुरंत ही, मैंने 1 किलो गुड़ लिया था जिसको मैंने अच्छे से क्रश करके रख लिया था, वही गुड़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस गुड़ को हम अच्छे से इसी घी के अंदर पिघलाएंगे। मैं आज पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर पानी हम डाल देते हैं ना तो लड्डियों की सेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमें इस गुड़ को पिघलाने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना। और ये गुड़ घी में ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इस गुड़ को ड्राई फ्रूट वाले मिक्स के अंदर डाल देंगे। इसको ऐसे ही मेल्ट करना है। तो देखिए जब तक ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है तब तक मैं देखिए इसमें इलायची पाउडर मिक्स नहीं किया था, वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इससे क्या लड्डू में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खुशबू इलायची की बहुत अच्छी लगती है लड्डू। तो देखिए इसको भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए उधर उतनी ही देर में गुड़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। देखिए हो गया ना मेल्ट, बस थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गुड़ को मेल्ट होने में भी। तो देखिए जब ऐसे ये बबल से आने लग जाते हैं तो हमें अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और तुरंत ही हम इस गुड़ को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। हमें वेट नहीं करना, क्योंकि जैसे ही ठंडा होने लग जाएगा ना तो जमने भी लग जाएगा, तुरंत ही हमें करना है। बहुत थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि हाथ पाथ जलने का भी बहुत डर रहता है इस समय। और अगर आपके साथ 1-2 जने हैं तो और इजी हो जाता है, जैसे एक जना डालता जाओ और एक जना इस तरीके से आपकी हेल्प करता जाए। मैंने तो ये अकेले ही किया था तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया था। तो देखिए इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। झाबे से ही हमें मिक्स करना है, हाथ से नहीं करना, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर हाथ पे लग गया ना तो हाथ पूरी तरीके से जल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है केयरफुली। तो अब तो हमने झबिए से ही मिक्स कर रहे हैं, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो मुझे थोड़ा इलायची पाउडर थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है, तो जिससे लड्डू के अंदर खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर इलायची पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में आप इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। वैसे तो ये लड्डू वैसे ही बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भी है। और देखिए इस तरीके से हम लड्डुओं को गरम गरम में ही भानेंगे, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तुरंत तभी हमें भानना। अगर ये ठंडा हो गया एकदम से तो लड्डू भानना मुश्किल हो जाएगा, आपको वैसे ही इसको खाना पड़ेगा। और नहीं तो आप इसको गैस के ऊपर रख के थोड़ा गरम कर लीजिए और लड्डू बना लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम गरम गरम में लड्डुओं को गोल गोल बांधते जाएंगे, फटाफट से बन जाते हैं। जब गर्म होता है तो बहुत जल्दी जल्दी लड्डू बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ लड्डू, फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो देखिए इस तरीके से हमने गोल गोल लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए आधे घंटे के अंदर मैंने सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लिया। देखिए कितने बढ़िया गोल गोल लड्डू बने हैं ना, तो लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं। और जितने आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में भी बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। एक बार आप इस तरीके से लड्डू बना के देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैंने तो ये लड्डू बना लिए हैं अपनी बेटी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप बनाइए और उनके साथ आप इसको इंजॉय करें। बहुत ही हेल्दी लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, आटे और गोंद के, और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।